दोस्तों ये जो चीज है ये आज से 3 साल पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। इसको इस तरीके से टेबल पे रखा जा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे 2019। सो ये अक्सर मैं अपने टेबल के ऊपर रखता हूँ। तो एक दिन मेरा ध्यान इसके ऊपर गया, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है गणपति और नीचे लिखा हुआ वक्रतुंड महाकाय। तो मैंने ये सोचा कि ये जो चीज है क्या किसी ने मैन्युअली बनाई है या फिर ये मशीन से बनती है। तो मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो थोड़ा मैंने रिसर्च करना शुरू किया और दोस्तों रिसर्च करने के बाद जो चीज मुझे पता चली आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जबरदस्त पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तो ये गिफ्टिंग का चीज है। गिफ्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई चीज 50 रुपए की बनाते हैं तो वो बिकती है 500 की, 1000 की, 1500 की। जितना अच्छा डिजाइन होगा, जितनी अट्रैक्टिव दिखेगी, उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। सो दोस्तों इस चीज को बनाने के लिए एक मशीन आती है। उस मशीन की मदद से आप सिर्फ लकड़े के ऊपर डिजाइन नहीं बना सकते, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। और किन किन चीजों के ऊपर बना सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके अलावा आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, ये एक जबरदस्त बिजनेस है। इसमें बहुत ही कम मार्जिन के साथ आप जबरदस्त पैसा कमा सकते हो। अब दोस्तों मशीन कौन सी है, कितने की आपको मिलेगी और उससे आप क्या क्या चीजें बना पाएंगे, और उन चीजों को अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, और इसके लिए आपको मुश्किल से जरूरत पड़ेगी 100 से लेकर 200 स्क्वायर फुट जगह की। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी और उस मशीन का नाम है लेजर कटिंग मशीन। तो दोस्तों इस मशीन की मदद से आप गिफ्ट देने वाले बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, गिफ्ट प्रोडक्ट का जो सेगमेंट होता है उसके अंदर लोग प्राइस नहीं देखते हैं, गिफ्ट का डिजाइन कितना अच्छा है, वो कितना अट्रैक्टिव है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है और उसके हिसाब से लोग पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, एक लेजर कटिंग मशीन खरीदनी है जिसकी मदद से नॉन मेटल वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सबको आप कट कर सको, और साथ ही साथ में अगर आप चाहो तो कोई भी डिजाइन उनके ऊपर एंग्रेव कर सको। सो दोस्तों ऐसी जो लेजर कटिंग मशीन होती है उसको बोलते हैं CO2 लेजर कटिंग मशीन। इसकी मदद से आप अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल होता है उसके ऊपर आप डिजाइन बना सकते हो और चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो। आप कौन से मटेरियल के ऊपर बना सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वुड के ऊपर आप बना सकते हो, एक्रेलिक के ऊपर बना सकते हो, लेदर के ऊपर बना सकते हो, क्लोथ के ऊपर बना सकते हो, पेपर के ऊपर बना सकते हो, बैंबू के ऊपर बना सकते हो। इसके अलावा और भी जो नॉन मेटल वाले मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर आप कटिंग भी कर सकते हो और चाहो तो कोई भी डिजाइन एंग्रेव भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी डिजाइन आपको बनानी है उसको आपको कंप्यूटर से कमांड देना होगा, और उसके बाद में मान लीजिए अगर आप किसी लकड़े के ऊपर बनाना चाहते हैं तो ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली वो डिजाइन को लकड़े के ऊपर बना देगी। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो गिफ्ट से रिलेटेड होते हैं और इस मशीन से बनाए जा सकते हैं, ताकि आपको यह आइडिया आ जाए कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कौन सी चीजों को बना पाएंगे जो मार्केट में ऑलरेडी बिकती है और उनको बनाकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस मशीन की मदद से आप कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखिए, CO2 लेजर कटिंग मशीन की मदद से आप इस तरीके की डिजाइन बना सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं वुड के ऊपर बनाई गई है, तो इस डिजाइन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फैमिली के लिए कस्टमाइज डिजाइन बना के दी गई थी, और ये जो है ये एक फोटो फ्रेम है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये भी एक फोटो फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किचन बनाया गया है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लेदर के ऊपर लोगो को बनाया गया है। तो आप भी अलग अलग कंपनीज के लिए लेदर के ऊपर अगर कोई लोगो बनाना है तो इस मशीन की मदद से बना पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरी के ऊपर बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बनाया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्रेलिक शीट की मदद से ये फोटो फ्रेम बनाई गई है। यहाँ पर देखिए इस तरीके के डिजाइन भी आप बना सकते हो, और साथ ही साथ में ऐसे घर के बाहर जो नेम प्लेट होते हैं वो आप बना सकते हो। ये देखिए ऐसा भी नेम प्लेट बना सकते हो। आप गाड़ियों के पीछे जो नंबर प्लेट होती है वो भी बना सकते हो। साथ ही साथ में ये देखिए एक्रेलिक की जो बड़ी वाली शीट होती है व्हाइट कलर की, आप ऐसी भी बना सकते हो। इसमें ब्लैक कलर की शीट होती है, ऐसी भी बना सकते हो। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आप बना पाओगे इस मशीन की मदद से। आपको सिंपली क्या करना होगा, इंटरनेट पे सर्च करना होगा, आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अलग अलग डिजाइन बना पाओगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस मशीन की मदद से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब गिफ्ट आइटम बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला मशीनरी। देखिए दोस्तों आपको एक मशीन खरीदनी होगी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उस मशीन का नाम है CO2 लेजर कटिंग मशीन। ये मशीन आपको मार्केट में मिल जाएगी लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, और इस मशीन से आपका सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर के जरिए आप कमांड दे पाएंगे, और साथ ही साथ में डिजाइन बनाने के लिए भी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसका भी कॉस्टिंग आप पकड़ लीजिए, आपका कम से कम 30 से लेकर 40 हजार रुपए कंप्यूटर का जाएगा। दूसरा रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों रॉ मटेरियल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या चीज बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली
आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप वुड के ऊपर बनाना चाहते हैं, एक्रेलिक के ऊपर बनाना चाहते हैं, या फिर बैंबू के ऊपर बनाना चाहते हैं, या फिर क्लोथ के ऊपर, लेदर के ऊपर, किस चीज के ऊपर आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताई है इस तरीके की चीज आपको ऑलरेडी बनी बनाई मार्केट में मिल जाएगी, आप होलसेल में बल्क में खरीद सकते हैं और उसके बाद में किसी की भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करती है, वो बोलती है कि हमको यहाँ पे कंपनी का नाम चाहिए और साथ ही साथ में लोगो चाहिए, तो वो भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है वो ऑलरेडी बनी बनाई आपको मार्केट में मिल जाती है, तो वो चीजें आपको एज अ रॉ मटेरियल वहां से खरीदनी होगी और उनके ऊपर आपको फिर प्रिंट करके बनाकर देना होगा। तीसरा, स्पेस। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 100 से लेकर 200 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत पड़ने वाली है, तो अगर आप घर से शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है आपके घर के अंदर उतनी जगह है तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप छोटी सी दुकान लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। चौथा, एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको एज सच बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी, अगर आप चाहें तो एक या दो लोगों को एज अ हेल्पर रख सकते हैं, और अगर आप अपने फैमिली के साथ ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर सकते हैं और से काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक या दो एम्प्लॉय को एज अ हेल्पर रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पांचवा, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होगा जिसको बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस, कहीं कहीं पे इसको गुमास्ता भी कहते हैं, कहीं कहीं पे शॉपेक लाइसेंस भी कहते हैं, तो आपके लोकेशन में क्या बोला जाता है उसके हिसाब से आपको ये चीज लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जब आपका बिजनेस बड़ा होने लग जाए तो उसके बाद में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, या फिर अगर ये सारी चीजें बनाकर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप इस मशीन की मदद से किसी भी चीज को बना सकते हैं, मैं आपको एक चीज बना के भी दिखाता हूं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप एग्जैक्टली बनाना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी वुड के ऊपर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर के अंदर आपको वो डिजाइन बनानी होगी और उसके बाद में कमांड देना होगा। उसके बाद में दोस्तों जिस भी चीज के ऊपर आप वो डिजाइन बनाना चाहते हैं आपको मशीन के अंदर रखनी है और उसके बाद में मशीन ऑटोमेटिकली उस डिजाइन को उस चीज के ऊपर बना देगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार आप किसी भी चीज के ऊपर एनग्रोसिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर किसी चीज को कट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये जो मशीन है नॉन मेटेलिक जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको कट भी कर सकती है और साथ ही साथ में उसके ऊपर कोई भी डिजाइन भी प्रिंट कर सकती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस मशीन की मदद से आप किसी भी चीज को कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये जो मशीन होती है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आती है, तो आपको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया तो टोटल हो गया 3.5 लाख रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, तो उसका मैं पकड़ लेता हूं 10,000 रुपए का आपका खर्चा आने वाला है, तो टोटल हो गया 3,60,000 रुपया। और उसके बाद में दोस्तों कुछ पैसे आपके पास एज अ वर्किंग कैपिटल होने चाहिए। सो मान के चलिए कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का वर्किंग कैपिटल होगा, तो इस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सो आप यूं मान के चलिए कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल के साथ आपके पास 4 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए होने चाहिए, तो आप इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि गिफ्ट आइटम के अंदर क्या होता है, जैसा आपका डिजाइन होगा जितना अट्रैक्टिव दिखने वाला होगा उतने ही ज्यादा पैसे आपको मिल सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो चीज है ये अगर आप प्लेन चीज खरीदने जाते हैं तो मुश्किल से आपको 20-25 रुपए में यह मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का नाम और लोगो बनाकर देते हैं तो इसी चीज को आप कम से कम 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपए में बेच सकते हैं। सो दोस्तों गिफ्ट आइटम के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जबरदस्त होता है, तो जो भी आपका मेकिंग कॉस्ट होगा उसमें आप अपना 100-150% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज बनाकर आपको कॉस्टिंग पड़ती है 50 रुपया, तो उसको आप होलसेल भाव में बेच सकते हैं 100 से 150 रुपए में, और आप अगर डायरेक्टली रिटेलर को बेचते हैं तो और भी महंगे में बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो और भी ज्यादा प्राइस में आप बेच सकते हैं। तो गिफ्ट आइटम जो होते हैं उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त होता है, मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 100% तो होता ही है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।